Assalamualaikum and welcome to Visa Mate Agency series. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Schengen countries में कौन से कंट्री का वीज़ा बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि Schengen countries क्या है और उनके वीज़े के बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि 28 Schengen countries हैं, जिनमें जर्मनी, फिनलैंड, नैदरलैंड, क्रोशिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली शामिल हैं। इनका वीज़ा का बेनिफिट क्या है? अगर आप इन 28 कंट्रीज़ में किसी एक कंट्री का भी वीज़ा ले लेते हैं तो आप इन 28 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है, 100% वीज़ा रेशो है और बहुत आसानी से मिल जाता है ताकि बाकी कंट्री में ट्रैवल किया जा सके। जैसे कि आपको पता है इटली, जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इनका वीज़ा लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप ऐसे कंट्री का वीज़ा लें इन 28 कंट्रीज़ में जहाँ कंपटीशन बहुत कम होगा और आपको आसानी वीज़ा मिल जाएगा बहुत कम शराइत पर और डॉक्यूमेंट्स पर। तो इन 28 कंट्रीज़ में एक कंट्री है क्रोशिया, वो अगर आप क्रोशिया का वीज़ा लेते हैं तो आप 28 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अब क्रोशिया के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये हाल ही में कुछ अर्से में Schengen कंट्रीज़ में इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। दूसरे ममालिक में वीज़ा के लिए एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी शराइत बहुत सख्त है और उनका वीज़ा रेशो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50-50% होता है। क्रोशिया के वीज़ा परसेंटेज ऑलमोस्ट 90+ है। तो अब बात करते हैं कि क्रोशिया वीज़ा लिया कैसे जाए। क्रोशिया वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आपको ईरान से लेनी पड़ती है, पाकिस्तान में क्रोशिया वैसे नहीं है। VSR ग्लोबल की ईरान में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर उस पर रब्ता करें, हम आपको अपॉइंटमेंट आपकी लेके आपको भिजवा देंगे। अपॉइंटमेंट्स के बाद आपने क्या करना है, आपने ईरान का वीज़ा लेके ईरान ट्रैवल करना है। ईरान आके आपने जो आपको स्पेसिफिक डेट की अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड है, जो Schengen कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होता है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके अच्छी है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड देन वीज़ा भेजने की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, FRC क्या होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो एक यात्रा इशू करता है वो होना चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है एम्बेसी। आपने एक बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू देना है, पूछेंगे आप क्यों जाना चाहते हैं विजिट, आपने बताना है कि विजिट पर्पज़ के लिए या जो भी पर्पज़ होगा, आपसे थोड़ी बहुत डिटेल्स लेंगे। तो वो सारे लेने के बाद 80 यूरोज़ आपको पे करने होंगे एम्बेसी। वो पे करने के बाद आपको 20 वर्किंग डेज में वीज़ा इशू किया जाएगा ईरान से, तो फिर आप क्रोशिया ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ से आप किसी भी Schengen कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे इटली, जर्मनी, फिनलैंड, नैदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन सारी कंट्रीज को ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप वर्क वीज़ा चाहिए क्रोशिया का और आपने डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेल करवाने हैं, लीगलाइज करवाने हैं क्रोशिया एम्बेसी से, तो उसके लिए आपको ईरान आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जस्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा के आपको भेज देंगे। क्रोशिया की अपॉइंटमेंट के लिए या मेक्सिको के अपॉइंटमेंट के लिए या किसी भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच।